तो आ जाओ फिर अपन आज अपनी स्केच चालू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपन चेहरे की आउटलाइन से। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे यहाँ की मेजरमेंट्स लेना चालू करेंगे। तो ये है लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 और पॉइंट नंबर 2 से कितना लेफ्ट है, ये है 1.2 सेंटीमीटर लेफ्ट। ठीक है, फिर इसके नीचे वाला है 1.5, तो ये जो है ये है 1.2 सेंटीमीटर, इसके नीचे वाला है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर और नीचे आते हैं, ये 1.2, ये है 1, ये है 0.6। इस तरीके से तो कंसेक्यूटिवली ले लो, 1.6 के बाद n वाला है वो फिर आते हैं फिर कौन सा पॉइंट है 3.11, 3.11 से ये 1.5 सेंटीमीटर दूर। फिर नीचे आते हैं तो ये 3.12 से निकल रहा है। ठीक है, फिर ये इधर से निकल रहा है। तो ऐसे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गलती करते पॉइंट बहुत डार्क बना, इतने डार्क नहीं बनाओ। ठीक है, इतने डार्क की जरूरत नहीं होती, चिन्ह है इस पॉइंट से 0.9 सेंटीमीटर नीचे। फिर ये यहाँ से निकल रही है, फिर ये इस पॉइंट से निकल रहा है, कौन सा पॉइंट है, ये 7.2, फिर ये यहाँ से यहाँ से निकल रहा है 0.5 मार्क किया। इस पॉइंट से कितना नीचे, 8.10 से कितना नीचे जा रहे हैं, इसके बगल से थोड़ा यहाँ जा रहा है, अरे यहाँ ईयर के पास आ गया। तो अपन यहाँ नहीं छोड़ रहे, अपन ईयर का भी लेंगे, पहले इतना बनाएंगे, मेन भी जो फेस का शेप है वो इससे भी कंप्लीट हो जाता है। तो पहले पॉइंट, ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए ये हल्का हल्का ऊपर से आ रहा है यहाँ। अब देखना कैसे गलती क्या होती है, कर्व का मतलब गलत समझ, इसका मतलब बहुत ज्यादा कर्व मत समझना, हल्का सा कर्व। अपन को ऐसे नहीं यहाँ तक छोड़ा फिर यहाँ से अलग छोड़ा, पॉइंट दिखने नहीं चाहिए, स्मूथ आना चाहिए, यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ धीरे धीरे, यहाँ देखो थोड़ा सा बाहर हुआ 0.6 के बाहर। ठीक है, फिर अंदर की तरफ मुड़ा ये थोड़ा सा। अब गलती क्या करो, ऐसे यू वी शेप जो रहता ना, ग्रेटर देन वाला साइन बना दोगे, यहाँ पे इस पॉइंट से निकला। फिर देखो 7 और 8 के बीच में यहाँ पे आई वाला पॉइंट आता है, जो आई के बगल, तो ये हल्का सा बाहर रहेगा, फिर यहाँ ज्वाइन। ठीक है, फिर ये आता है 9 वाला, तो ये ऐसे नहीं है कि ये स्ट्रेट यहाँ आ रहा है, हल्का सा अंदर है, हल्का सा अंदर है, फिर थोड़ा सा बाहर है, छोटे छोटे कर्व रहते हैं ना, अपन चाहे यहाँ से अपन रहे, अपन को डिस्टिंक्ट फेस का फीचर ही नहीं मिलेगा, उसका फेस का शेप अलग है, धीरे से बाहर आ रहा है, ऐसे नीचे। अब देखना ये इधर निकल जाता है, ऐसे क्लियरली स्टीप है, ये इस तरीके से आएगा, इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा, हल्के से कर्व के साथ ज्वाइन करेगा। फिर यहाँ पे आप देखो मेनली 11 और 12 के बीच, लाइन नंबर 11 और 12 के बीच, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि क्या कहते हैं, तो क्या आपने मन से लाके दिया, मैंने क्या बोला था, एक तरीका ऐसे बनाने का, ये जो आ रही है स्ट्रेट ले लो। ठीक है, अब यहाँ से देखना कि मैंने लाइटली बनाया स्ट्रेट आगे गई, जैसे मैंने हल्के से ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन आएगी तुम्हें पता है वो इस तरीके से जानी है, तुम यहाँ से निकाल दो उसे, तो तुम्हें पता चल गया यहाँ पे उसे क्रॉस कर दो, तो धीरे से लाओ, कर्व करो, यहाँ पॉइंटेड नहीं करना, ये भी पॉइंटेड नहीं करेगा, यहाँ हर कर्व होना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ आओ, फिर नीचे की तरफ जाओ, वैसे भी यहाँ से डायरेक्ट इस पॉइंट हल्का सा अंदर की तरफ आए। अब वो जो अंदर की तरफ चिन्ह में आता है ना शेप, यहाँ पे आया था, हल्का सा ऊपर ले जाओ, और फिर चिन्ह वापस यहाँ कर दो, ये चिन्ह आई नीचे, तो यहाँ पे भी हल्का सा फ्लैट रहेगी, कर्व हो गया। ठीक है, ये ऊपर गया, ये भी कर्व हो गया। ठीक है, धीरे से अब एक बार ध्यान रखना, यहाँ होती है, इसका बहुत गड़बड़ा गया,
क्या रहता है, सीधी बात अपन कर्व जोड़ने में लग जाते हैं पॉइंट में, बिना रियलाइज करें कि हमका कर्व है क्या। उसने यहाँ से यहाँ पे गाइड कर्व या हर एक पॉइंट में अलग अलग शेप, हल्के हल्के कर्व भी डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इतना सा इसका बस इसका है। तो ये देखो हल्के से कर्व के साथ ज्वाइंट वर्टिकल ऊपर आया, ये हल्के से कर्व के साथ यहाँ गया, फिर हल्के से कर्व के साथ यहाँ आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हल्के से जा रहा है और फिर ये ऊपर जाके यहाँ आ गया ऐसे, ये ईयर के लिए। ठीक है, तो ये अभी रुक जाना, अभी मत बनाना, पहले अपन ये और देख लें, वरना फिर वो देख समझ में नहीं आता कि सही बना कि नहीं बना। तो ये देख सकते हो ये पॉइंट नंबर 7.4 से चालू हो रहा है, तो 7.4 यहाँ पे देखेंगे, 7.4 ये रहा। ठीक है, यहाँ से हल्का हल्का ऐसे नीचे आया, ठीक है, कितना 0.8 सेंटीमीटर। यहाँ अब देखना शेप, ये नीचे आया थोड़ा पीछे की तरफ गया, नीचे आया थोड़ा पीछे की तरफ गया, अब यहाँ से नीचे की तरफ आया। ये जो बाहर की तरफ बाल आ रहे हैं ना, वो अपन बाद में शेडिंग में ड्रॉ करते हैं, जब बाल बनाते हैं वो अपना बालों का काम है, तो ऐसे आते हैं, लेकिन मेनली अभी अपना काम है इसे ड्रॉ करने का। यहाँ से ये देखो इस पॉइंट पे थोड़ा ऊपर आ रहा है। अब ये देखो कितना मैक्सिमम दूर है, 0.5 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से, 0.5 सेंटीमीटर यहाँ मार्क लगा है, इससे ज्यादा दूर नहीं। ईयर अपने यहाँ पे ऐसे आएंगे नीचे की तरफ से, ठीक है, ईयर यहाँ पे ऐसे यहाँ दिख रहा है मुझे। अब ये जो हिस्सा है ये वाला, ये ड्रॉ करना है, ये आया और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ज्वाइन हो, और अपना ये जो कर्व है ये पे ज्वाइन होगा, ये यहाँ गया, ये हल्का सा ये बाहर आया, ठीक है, इस तरीके से ये अपना फेस का एक बेसिक शेप सा बनता है। पहले इतना बना लो, बाल बनाने अपन क्या करते हैं, अपन एकदम डार्क आउटलाइन बना देते हैं यहाँ पे। तो ठीक, क्या करना मुझे पता है यहाँ से कौन सा 4.5 का है, यहाँ से चालू हो रहा, इधर पे ज्वाइन हो रहा, तो ये हल्का सा आता है, धीरे धीरे बहुत लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइटली ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर मैंने ये अभी डार्क ड्रॉ कर दिया तो फिर स्केच बाद में खराब हो जाएगा। ये आया इस तरीके से थोड़ा नीचे, फिर ये वापस ऊपर, दिख रहा है ना अपन को थोड़ा ऊपर, हल्के से बहुत हल्के से करना है, ऐसे नहीं करना कि एकदम कहते पहाड़ शेप बना दिए, नहीं, हल्के से नीचे आए फिर ये ऊपर आके ऐसे कर्व के साथ ज्वाइन, ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा जो आता है ये कर्व हो के, ये देख सकते हैं काफी इतने ऊपर, ये 1 सेंटीमीटर ऊपर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये यहाँ आया कर्व हो के, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये ज्वाइन, तो ये अपनी फ्लोर कवरिंग कर। अब आते हैं बालों के शेप, ये आराम से फ्री हैंड बन सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ्री हैंड बोल रहे तो पूरे ऐसे घुमा दो, या फिर इनको स्ट्रेट कर दो, एक्सटेंस होना चाहिए, सही जाना है कि नहीं, ये देखते हैं यहाँ जाना है, यहाँ से निकलना है। अब तुम्हें क्या है गलत, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि बता रहे, तो यहाँ मेजर पे इस पॉइंट से कितना दूर है, ये आता है 1.5, ये आता है 1.5, ये आता है 1, ठीक है, कैसे आया मैं भी यहाँ मार्क करूँ, अगर 1.5 जस्ट टच कर रहा है ये, और फिर ये बन, तो 1.5 यहाँ आया, इस तरीके से कर्व यहाँ से धीरे से कर्व आएगा यहाँ पे, फिर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ रहेगा, फिर ये नीचे निकला और फिर ये ऊपर कर्व हो गया। ठीक है, यहाँ वाला पोर्शन देखो, अपन को हेयर्स की स्ट्रेंड बना लेते हैं, ऐसा नहीं कि अपन ने आउटलाइन बना के छोड़ दी अंदर ऐसे फिल कर देंगे, नहीं, अपन को पता होना चाहिए हर जगह की हेयर की डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा देखो, ये यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से निकल के धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ से निकल के धीरे धीरे ऐसे आया और यहाँ पे आके नीचे, बस ऐसे इतना छोड़ दो, यहाँ पे एकदम नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, ओके। ये पीछे की तरफ अपन देखेंगे कहाँ से आ रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 6 यहाँ इससे थोड़े पीछे से आ रहे हैं, बाल नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ से कर्व होके इस पॉइंट से निकल रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ निकले,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मांग रहती ना मांग जाती थी मुझसे, कहते हैं कि ऐसे आ रही है, ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ मैं करनी हूँ कर लूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आई हल्की सी, अब ये बाल देखो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये कर्व होगी कहाँ से आ रहा है, ऐसे यहाँ से, ये ऐसे कर्व होगी कहाँ से आ रहा, यहाँ से कर्व होगी कहाँ से आ रहा, यहाँ से, ठीक है। बालों की डायरेक्शन अपन को ध्यान रखना जरूरी है, कहाँ से जा रही है, वैसा नहीं कि यहाँ वाले बाल यही आ रहे हैं, यहाँ वाला बाल देखिए ये जो आ रहा है, तो यहाँ से निकल के और ऊपर ऊपर और यहाँ ज्वाइन, ठीक है। यहाँ से जो बाल आ रहे हैं इसके बगल से या कि ऊपर ही ज्वाइन हो गए, तो अपन में जब अपन ईयर्स बनाते हैं तब बहुत काम आएंगे। ईयर्स बनाना आसानी है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, कहाँ तक मैक्सिमम जा रहे हैं 7 तक, तो यहाँ से ऐसे आएंगे, कर्व हुआ, ठीक है। अब ये वाले बाल देख, तो ऐसा नहीं कि अपन डायरेक्ट नीचे छोड़ देंगे, तो इसे पैटर्न देखना होता है कि ये देखो ये थोड़ा आगे बढ़ा, तो फिर इस तरीके से ये पीछे की तरफ आया, फिर ये आया। अब देखना जैसे मैंने टेप लगा रहा, ठीक है, तो ये है 1.8 सेंटीमीटर, तो ये टेप के बाहर जाएगा, ये हिस्सा जो है मेरा टेप के बाहर जाएगा, ये मोस्टली अंदर क्या आएगा 6 9 वाला पार्ट, ये आया, ये ऊपर की तरफ कर्व हुआ, ये ऊपर की तरफ, यहाँ से जो ऐसे आया ऊपर की तरफ कर्व हुआ, यहाँ से, इस तरीके से मैंने जो हेयर्स है वो कंप्लीट कर दिया। और नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं, तो यहाँ से देखो इस पॉइंट से नेक वाला पोर्शन आ रहा है, जैसे ठीक से आया कर्व हो गया, ठीक है। अब ये जो लाइंस बन रही है कर्व आ रही है, ये भी जरूरी है अपन को बनाना, यहाँ से आएगी। अब ऐसे नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर्व बनाना, अपन को रेफरेंस में शेप ना वैसे ही बनाना, इतना ज्यादा रेफरेंस एक्यूरेट होना चाहिए। आया कर्व यहाँ पे, फिर यहाँ देखो शोल्डर के जो कर्व है नीचे हल्का सा ऊपर, यहाँ से फिर ये एक बॉर्डर लाइन अपनी आ रही है, या ये बॉर्डर लाइन रहने दो, जरूरत नहीं, जो हल्के हल्के से कर्व आ रहे हैं ना ये बना दो, अपन ये इसे कंसिडर ही करेंगे, ठीक है। फिर राइट साइड आते हैं, तो राइट साइड क्या है, यहाँ से नेक आ रहा है, गलती क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ से एकदम पॉइंटेड तरीके से चालू करते हैं, जबकि धीरे धीरे स्केच से नेक का एक हिस्सा निकलता हुआ आ रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे कर्व होते हुए जाएगा, यहाँ से हल्के हल्के तरीके से कर्व होते हुए जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि टेप लगा रखा है मैंने, ठीक है। लाइन नंबर 13 ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने नीचे का नेक और शोल्डर वाला, ठीक है, वो बाकी का पोर्शन जो आंखों वाला है बाद में बनाएंगे।